कि आपने उत्तर सरकार प्रदेश का हमेशा नाम किन लोगों के लिया, लिए काम करना और भी चाहती राज्य है, है ना देश इसके पास में, जवाब बाकी हाँ किसान तो क्यों नहीं होना दिखाई चाहिए। दे रहे, इतने मुखर क्यों नहीं दिखाई मैं दे बोल रहे रहा बाकी हूँ किसान? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पश्चिम के किसान है वहां बैठे हैं, यहाँ पे इन्होंने अधिकारी अपॉइंट कर रखे हैं, महाराष्ट्र के किसान आंदोलन से कहाँ का नहीं है, बता दीजिए आप मुझे नाम ले, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, जहाँ भी चिल्ला रहे थे छत्तीसगढ़ राजकुमार में जी, इतना मुखर उन्होंने विरोध वहां क्यों मैसेज नहीं दिया। है? इतना अरे मुखर मुखर विरोध विरोध है हर छत्तीसगढ़ में जगह, क्यों नहीं है? इतना मुखर विरोध अरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? जिस छत्तीसगढ़ इंटेंसिटी पर, महाराष्ट्र, जिस इंटेंसिटी पर पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं, उतना मुखर विरोध वहां क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो दिल्ली के बहुत करीब हैं और वो आके यहाँ पे अपना डेरा डालते हैं, महाराष्ट्र के किसान भी आते हैं तो सरकार उनको रोकती है। आपको क्या लगता है कि किसान विरोध में नहीं है? ठीक है, पूरा का फटाफट पूरा सुरेंद्र सिंह देश का राजपूत किसान जी, विरोध चलिए में, आप अपना सरकार कमेंट दबा जोड़िए, नहीं फिर रखी है। अपराजिता जी एक साथ जवाब देंगी। बोलिए राजपूत जी। सरकार मैं तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। पहली चीज तो अपराजिता जी ने जो कहा कि हमारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट ये कह दूं कि आप हमारे पांव के नीचे की जमीन और हमारे मैनिफेस्टो का ध्यान मत करिए, आप किसानों का ध्यान दीजिए। आज की डेट में अन्नदाता आपके दर पर है, उसकी बात मानिए। दूसरी बात जो आपने कही कि देश का किसान, तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ का किसान इसलिए आंदोलित नहीं है कि छत्तीसगढ़ में MSP 1850 की जगह धान की 2500 रुपए भूपेश बघेल सिंह की सरकार दे रही है, भूपेश बघेल जी की सरकार, इसलिए वहां पर आंदोलित नहीं है। महाराष्ट्र का किसान आंदोलित है, केरल का किसान आंदोलित है, कर्नाटका का किसान आंदोलित है, आंध्रा के किसान आंदोलित है, और 2014 से जब से ये सरकार आई है ठीक है, आज तक 100 से ज्यादा किसान आंदोलन जो हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हुए हैं। लेकिन यहाँ सुरेंद्र पर सिंह सौ राजपूत सौ जी, दिन ये चूहे कानून खाए आने हैं। से पहले, ये कानून आने से पहले भी तो देश के किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी ना? तो इसलिए अगर बिल्कुल सरकार बिल्कुल इस सही, मकसद से आ रही है कि कृषि सुधार करने हैं, अगर सुधारों के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे और तो खराब हो सुधार जाएगा। हमेशा पॉलिटिक्स नहीं में फंस नहीं के रह जाएगा ना, यही आरोप लग रहा है। अपराजिता जी जवाब दीजिए, मीनाक्षी कंक्लूडिंग रिमार्क। मीनाक्षी ठीक है, अभी जी, कंक्लूड नहीं करने नहीं दीजिए, लोग बहुत बेच नहीं, चुके हैं। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी फटाफट जी, बोलिए हम अपराजिता कहते हैं जी। कि इन्होंने तो किसान की देखिए, कम दुगनी करने की बात की थी, 7 सालों से 1991 किसान में सुन रही हूँ, किसान मैं की बोल आंदोलन रही हूँ, खत्म हो गई, आपके आरोप किसान शामिल हो गए, किसान उनको जवाब दे किसान तो दीजिए ना, गरीब जवाब रेखा नहीं के आएगा तो नीचे फिर आने डिबेट वाला, पूरी जिस नहीं हो तरह पाएगी। उन्नीस सौ 1991 में और इन्होंने हमारी हमारे किसान अर्थव्यवस्था जाने का का जी, प्लीज देखिए समय समय बर्बाद बर्बाद हो हो जाएगा, जाएगा मेरे पास कम समय बचा है। अपराजिता जी को कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए अपराजिता जी। 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था, लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद हम जानते हैं हमारी GDP किस तरह से बढ़ी है, लेकिन उस समय कृषि क्षेत्र में उदारीकरण नहीं हुआ था। तो अभी जो ये तीन फार्म लॉज पास किए गए हैं संसद की तरफ से, प्लीज अनुराग जी सुन तो लीजिए ना, देखिए प्रक्रिया बात के क्लियर अंतर्गत पूरी नहीं हो पाएगी, हम प्लीज अभी सुरेंद्र जी प्लीज सुन लेते हैं, आप दोनों के क्षेत्र में उदारीकरण ओके लेट एन आंसर प्लीज। हम स्वतंत्र किसान चाहते हैं, हम सशक्त किसान चाहते हैं। मैं कह दूं, मुझे अब मुझे 30 सेकंड दे आप, मैं फिर से प्लीज मैं बाकी दो लोगों की चाहूंगी। आवाज नीचे करिए, अपराजिता जी कंप्लीट करिए। मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, देखिए सच बात यह है कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था, लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद हमारे GDP का ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ, 6% GDP हमारा हो गया था, और उसके बाद सतत प्रक्रिया चल रही है GDP ग्रोथ की। लेकिन उस समय कृषि क्षेत्र में उदारीकरण नहीं हुआ था। अभी जो ये तीन फार्म लॉज हैं जिसे संसद ने पास किया, इसकी वजह से कृषि क्षेत्र में उदारीकरण आएगा, हमारे किसान स्वतंत्र होंगे, सशक्त होंगे, ऐतिहासिक पदक्षेप है, और जो 50-60 साल से कांग्रेस को करना चाहिए था हमने करके दिखा दिया।